नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। क्योंकि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाती है, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का एंड अप होता है, तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर के नए साल की शुरुआत अगर हम कहें तो आज 1 अप्रैल से हो गई है। ऐसे में 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव किए गए हैं और ये आज से लागू भी हो जाएंगे। वो कौन से बड़े नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है, आप पर उसका असर कैसे पड़ेगा, इस वीडियो में मैं उसे कवर करूँगी। तो ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप अगले वित्त वर्ष से आयकर रिटर्न भरने के लिए पुरानी या नई कर व्यवस्था में से किसी एक का चयन नहीं करती हैं तो नई व्यवस्था में डिफॉल्ट शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि आखिर बड़े बदलाव जो आपकी जेब पर सीधे असर डालेंगे। तो पहला तो ये है कि नई कर व्यवस्था 7 लाख तक की कमाई पर छूट। दूसरी है टोल टैक्स जो 7% तक महंगा हो गया है। और इसी के साथ ही महिला सम्मान बचत योजना जिसमें आपको मिलेगा 7.50% ब्याज, और कबाड़ नीति जिससे हटेंगे 15 साल पुराने वाहन। तो ये 4 बड़ी चीजें हैं और इसी के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आप इससे लाभ ले सकती हैं। नए वर्ष में नए नियम लागू होते हैं और आयकर समेत कई बड़े बदलाव आज से लागू हो गई हैं और इनकी सूची बहुत लंबी है। अगर हम बात करें तो 2023-24 के आम बजट में कई नई घोषणाएं भी की गई हैं जो आज से लागू होने जा रही हैं। सोने की खरीदारी, म्यूचुअल फंड, रीट इन्वेस्ट, जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान संबंधित कई नियम भी बदल रही है। तो सबसे पहले ज़रूरी बदलाव आपको बता देते हैं, नई कर व्यवस्था जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है। अगर 7 लाख तक की कमाई आपकी है पर ईयर तो आपको छूट मिलेगी, और अगर इससे ज़्यादा है तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है 50,000 रुपये तक का उठा सकते हैं लाभ स्टैंडर्ड डिडक्शन का। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अब नई कर व्यवस्था का हिस्सा रहेगा और इसके लिए करदाता 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है। इसी के साथ ही महिला सम्मान बचत योजना को पहली बार शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं या युवतियों के नाम पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का निवेश कर सकती हैं और इस पर 7.50% की दर से ब्याज तय ब्याज मिलेगा। इसी के साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पोस्ट ऑफिस मासिक योजना में निवेश जो है वो दोगुना हो जाएगा। आपको बता दें 15 लाख रुपए सालाना की सीमा 30 लाख रुपए कर दी गई है अगर हम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की बात करें। इसी के साथ ही यदि कोई यानी अगर कोई इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए पहले निवेश करता था तो उसे 8% ब्याज दर में 5 साल में 6 लाख रुपए का ब्याज मिलता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बदल दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 30% टैक्स लगेगा और रीट इन्वेस्ट में कर्ज भुगतान पर भी अब टैक्स लगेगा। गाड़ियां महंगी होंगी और ऑटो समेत कई कार्य जो हैं बंद हो सकती हैं और टोल टैक्स आपको बताइए 7% महंगा। और कबाड़ नीति के तहत 15 साल पुराने जो वाहन हैं वो हटेंगे और यूपी में 22 रुपये किलो बिकेंगे वाहन। तो फिलहाल ये कुछ नए नियम हैं जो आज से लागू कर दिए गए हैं जिनका असर सीधे तौर पर आप पर होगा। तो ऐसे में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि लोगों तक भी जानकारी पहुंचे।